हेलो डियर फ्रेंड्स, कुवैत गम का मेडिकल फेल या गम का मेडिकल फेल हो जाने पर क्या आपको सेवन कंट्रीज जो जीसीसी की है, क्या अदर कंट्री में जाने पर भी आपको कुवैत गम का मेडिकल फेल हो जाने पर क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्या इन फ्यूचर आपका गम का मेडिकल फेल हो जाने के बावजूद भी इन फ्यूचर दोबारा वीज़ा निकल सकता है कि नहीं निकल सकता? ऐसे रिलेटेड आपसे हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आप कुवैत गमका मेडिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, चाहे वो गमका मेडिकल आपका इंडिया, पाकिस्तान या किसी कंट्री में हो जहां पर आपकी मदर कंट्री है, या आप जब कुवैत में एंट्री करते हो तो यहाँ पर भी मेडिकल होता है, उससे रिलेटेड क्या क्या होता है, बहुत सारी मोर इन्फॉर्मेशन मैंने काफ़ी वीडियोज़ में अपलोड कर रखी है। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, उन वीडियोज़ को वॉच कर लेंगे तो मोर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है? और वो इंफॉर्मेशन आपको कोई नहीं बताएगा। लेकिन वो इंफॉर्मेशन जाने से पहले एक लोग ने कमेंट किया था कि भाईजान ये बात सच है क्या कि एक बार अपना कुवैत का गमका मेडिकल में फेल हो गए तो फिर भी दोबारा वीजा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यानी कि अगर आपका मेडिकल गमका मेडिकल आपके खुद की कंट्री में फेल हो गया या अनफिट हो गया तो क्या आपका दोबारा वीज़ा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये इन्फॉर्मेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि मोर इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कास्ट आपको कहाँ मिलेगी। तो सबसे पहले आप कुछ भी कुवैत से रिलेटेड अगर आप सर्च करते हैं यूट्यूब पर तो लास्ट में अमाफा लिखना ना भूला करिए। अमाफा लिखने से वीडियोस पहले आ जाती है और आपको मोर इन्फॉर्मेशन शॉर्टकट तरीके से मिल जाएगी। आप अपना YouTube ओपन कर लीजिए और YouTube में आपको लिखना क्या है वो मैं बताता हूँ। आप जैसे सर्च बार में जाइए और लिखिए कुवैत, कुवैत मेडिकल, कुवैत मेडिकल लिखा आपने, आपको लिख देना अमाफा, अमाफा चैनल का नाम, यानी कि अमाफा हर्बल चैनल का नाम है। आप अमाफा लिखेंगे, सर्च कर देंगे तो आपके सामने कुवैत मेडिकल से रिलेटेड, चाहे वो इंडिया में हो चाहे कुवैत में हो, वो सब चीज़ों की डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी सीरियल वाइज। लेकिन आपको यहाँ पर करना क्या है कि आपको चैनल के लोगो पे क्लिक करना है। जैसे ही चैनल के लोगो पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ यहाँ पर प्लेलिस्ट होगी एक तो यहाँ पे, जैसे कि वीडियोस है, शॉर्ट्स है, लाइव है, प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक कर देना है। प्लेलिस्ट पे आप तलाश करेंगे कुवैत मेडिकल, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखना है कुवैत मेडिकल से रिलेटेड कौन सी प्लेलिस्ट है। तो वैसे फिलहाल मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, लेकिन यहाँ से भी आप जो है देख सकते हो, ठीक है? कुवैत पीसीसी है, कुवैत एग्जिट है, कुवैत विजिट वीज़ा है, और कुवैत मेडिकल भी आपका होगा, कुवैत फैमिली, कुवैत सिविल आईडी, कुवैत वेदर, कुवैत लाइफ, कुवैत शटडाउन वीज़ा, कुवैत ट्रेवल गाइड, कुवैत अपडेट, कुवैत मोबाइल आईडी, कुवैत गूगल मैप, और ये कुवैत मेडिकल टेस्ट। कुवैत मेडिकल टेस्ट में 29 वीडियोस हैं। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, सॉरी वो दूसरा ओपन हो गया, कुवैत मेडिकल टेस्ट, ये हाँ कुवैत मेडिकल टेस्ट, इसमें ओपन करेंगे। अब आपको यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स दिखेगा, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ये आपकी सेफ हो जाएगी। कुवैत मेडिकल टेस्ट की ये प्लेलिस्ट ओपन हो गई, यहाँ से आपने इसको सेव कर दिया, शेयर भी कर सकते हैं। 29 वीडियोस है, 29 वीडियोस में बहुत सारी मोर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कुवैत मेडिकल से रिलेटेड, इंडिया में मेडिकल जो होता है उससे रिलेटेड क्या क्या होता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कास्ट मिल जाएगी। आई टेस्टिंग वगैरह से भी रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है? इसमें 29 वीडियोस है, आप सीरियल वाइज देख लीजिएगा, आपको कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कास्ट आपके नॉलेज के हिसाब से मिल जाएगी, ठीक है? यहाँ पे अब सेफ हो गई, इसको हम चेक करते हैं, इसको हम बैक आ जाते हैं, ठीक है? बैक आने पे फिर से हम यूट्यूब खोलेंगे, अभी आपने सेव किया था तो आप अपने प्रोफाइल वाले आइकन पर इसे क्लिक करेंगे। अब आप अपना यहाँ से देखेंगे हिस्ट्री है और उसका प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आपके सामने ही यहाँ पे शो हो रही है। व्यू ऑल पे करेंगे तो व्यू ऑल पे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुवैत मेडिकल टेस्ट, ठीक है? तो कुवैत मेडिकल टेस्ट की हमने या आपने इस तरीके से प्लेलिस्ट शो कर रही है जो वहाँ पर सेव कर लेना, तो आपको कहीं भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने लोगों पर प्रोफाइल के लोगों पर क्लिक करके सीधे प्लेलिस्ट में चला जाना है और आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी प्लेलिस्ट यहाँ पर सेव है। अब हम इस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये सारी वीडियो सीरियल वाइज आपको मिल जाएगी, अपने हिसाब से स्टेप स्टेप करके, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए। तो कुवैत मेडिकल टेस्ट का सिस्टम जो है ना, आपका पूरे तरीके से इंफॉर्मेशन जो आपकी है ये मिल जाएगी, ठीक है? और एक चीज़ ये भी बता दूं मैं, जैसे कुवैत मेडिकल टेस्ट आप कराने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने वीडियो के पहले में बताया, कुवैत मेडिकल टेस्ट अगर आप फेल हो गए
तो क्या होगा आपके साथ, दोबारा वीज़ा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो वैसे फ़िलहाल मैंने इससे रिलेटेड अपडेट दी है, लेकिन अब यहाँ तक आपने क्लिक किया और यहाँ तक देखी वीडियो, तो आपको मैं जानकारी दे दूँ कि आपका दोबारा वीज़ा निकलेगा, लेकिन कुछ उसका क्राइटेरिया होता है, कुछ डिजीज़ ऐसी होती है जो ठीक हो जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका वीज़ा निकल सकता है। लेकिन वीज़ा निकालने के लिए, यानी कि जो कोयती निकालेगा वो वास्ता वाला होना चाहिए, तो वो निकाल सकता है पुराने सिस्टम को ख़त्म करके। उसका भी एक क्राइटेरिया है, आप कमेंट करोगे तो मुझे लगेगा, अगर 10 भी कमेंट इससे रिलेटेड आ गया तो मैं उस रिपोर्ट में मामला जो रहता है उसको हटाने के लिए एक लीगल सिस्टम में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। लेकिन अगर बहुत सारे लोगों ने यहाँ तक वीडियो नहीं देखी है, नहीं कमेंट करेंगे, तो कोई ज़रूरी नहीं ना कि इससे रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करूँ। और रही बात जीसीसी की, जो 7 कंट्रीज आती है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जीसीसी की जो 7 कंट्रीज उस वेबसाइट पे जब चढ़ता है तो ये सारा डाटा जो है अलग अलग कंट्रियों में जाता है। तो कुछ डिजीज के तहत आप दोबारा वीजा इन 7 कंट्रीज में भी दिक्कत होती है और कुवैत में भी दिक्कत होगी, ठीक है। इसके अलावा और भी प्रोसेस है, इसको हटाया भी जा सकता है, इसको रिमूव भी किया जा सकता है, वो कैसे है कमेंट नाउ और हम आपको नेक्स्ट अपडेट में अपडेट कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा और सारी वीडियोज को वॉच कर लीजिए।